हमारे साथ हैं ओल्ड वैगनार के ओनर मास्टर आरबी सिंह जी। 2007 मॉडल गाड़ी है इनकी, और गाड़ी का जो इनका रिव्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही होता है, हमारे बताने से बात नहीं बनेगी। बाकी की डिटेल जो है वो गाड़ी के अंदर आपको जाके देंगे, लेकिन दो सवाल हम इनसे जरूर लेंगे वो यहीं पे। नमस्कार मास्टर जी। सर, गाड़ी आपकी कौन सा मॉडल है और कितनी चल गई है? 2007 मॉडल है, 65,000 किलोमीटर चली। 65,000 मतलब 70,000 के आसपास चली हुई है वैसे उसके अंदर जो दिख रही है। तो अभी तक कोई खास खर्चा हुआ आपका इसके अंदर? कोई खास खर्चा नहीं हुआ ना गाड़ी में, और कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप 13 साल गाड़ी चलाने के बाद भी सेटिस्फाई हो गाड़ी से? बिल्कुल, मतलब ओके गाड़ी है। ओके। अगर कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाहे तो उनके लिए बोल सकते हो कि ले सकते हैं पुरानी गाड़ी? पुरानी गाड़ी वैगनार ले सकते हैं, ये वाली गाड़ी आप पुराने वाली ले सकते हैं। मास्टर जी ज्यादा वीडियो में नहीं आना चाहते थे, हमारे कहने पे इतना आए हैं वो 2 मिनट के लिए भी। बाकी हम जो इसका बाकी का रिव्यू आपको गाड़ी के अंदर जाके देते हैं। गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर जी को खुद चलाते हुए इसको 13.5 साल हो गए हैं और अभी भी इन्होंने इस गाड़ी के ऊपर खर्चा किया है ऑलरेडी 30-40 हज़ार रुपए के आसपास का, जो आगे वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि 13.5 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली के अंदर जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, एक तरीके से 1.5 साल की बची है, अगर कोई उसके ऊपर वहां पर भी खर्चा कर रहा है 40-50 हज़ार रुपए, 40 हज़ार रुपए, तो गाड़ी से क्या प्यार होगा, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का। तो बाकी थैंक यू मास्टर जी, और गाड़ी के अंदर आपको बाकी का रिव्यू हम दिखाते हैं जाके। वेलकम बैक, स्वागत है कृष्ण कार्स की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक पुरानी वैगनार का रिव्यू। ओल्ड वैगनार है 2007 मॉडल, तो आप सोचें पुरानी गाड़ी है लेकिन इस गाड़ी के अंदर फिर भी बहुत सारा खर्चा किया गया है, पूरी एसेसरीज इसके अंदर लगाई गई है, ये सब सारा का सारा सामान। और एसेसरीज की डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लेना अलग से, इसका प्राइस कितना है, कितना इस पे खर्चा आया, तो वो भी सारी डिटेल उसके अंदर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और ऊपर भी एसेसरी के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारा खर्चा किया गया है, जिसके अंदर गाड़ी को फुल पेंट करवाया गया, इंटीरियर वगैरह आप देखें, डाइक्लीन वगैरह करवाया गया। तो 2007 मॉडल गाड़ी के ऊपर भी इतना सारा खर्चा कर दिया गया, तो सोचिए गाड़ी अपने आप में कितनी अच्छी होगी और कितना क्या प्यार होगा गाड़ी के लिए गाड़ी के ओनर का। तो एक बार गाड़ी का ओवरव्यू दिखाते हैं आपको और बताते हैं इसके बारे में और जो भी हमें इसके बारे में अभी पता चला है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कार रिव्यूज और कार एसेसरी की सारी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है ओल्ड वैगनार 2007 मॉडल, और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उस टाइम पे मारुति की बहुत अच्छी होती थी, अभी भी अच्छी है, प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन उस टाइम पे जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी। और आज भी लोगों के पास 13-14-15 साल पुरानी गाड़ियां जिनके पास हैं वो अपने आप बोलते हैं कि हाँ अब वाली गाड़ी उसको पसंद नहीं है। मतलब इस गाड़ी के ओनर का भी रिव्यू यही है कि अब वाली गाड़ी से ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक इसका जो इंजन था वो 1199 सीसी का था, जो अब घट के वो 999 सीसी का हो गया है, तो उसका भी डिफरेंस है। और दूसरा अगर आप देखें तो इतने साल के बाद भी कोई प्लास्टिक पार्ट वगैरह फेड नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई इसके अंदर अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, इंजन के अंदर कोई खास कुछ भी काम नहीं हुआ है, माइल एक सर्विस लगा लो, सर्विस का जो भी कॉस्टिंग है, और उसके अलावा गाड़ी यूं की यूं पड़ी है, और थोड़ा सा खर्चा करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल चमक गई है गाड़ी, एकदम नई जैसी। और इसके अलावा एसेसरीज ने गाड़ी का और निखार दिया है अच्छे से, इसके अंदर काफी एसेसरीज भी लग गई है। अगर आप देखें इसके अंदर स्पेस बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये यहाँ पे नॉर्मल ही होते थे उस टाइम पे, तो ऐसे ही आते थे, और बाकी मजबूत है गाड़ी अपने आप में। मिरर जो होते थे ये छोटे वाले ज्यादा आते थे उस टाइम पे, और ये भी मैनुअल ही चलता था ऐसे, और यहाँ पे आपको इसमें स्पेस मिल जाता था नीचे थोड़ा बहुत, और स्पेस की गाड़ी के अंदर बेसिकली कोई कमी नहीं थी। आप देखें तो यहाँ पे भी इसके अंदर आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, कोई ग्लास होल्डर कह सकते हो, यहाँ पे भी नीचे वॉलेट वगैरह रखने के लिए इसमें स्पेस है, और यहाँ पे भी आपको एक बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। 5 गियर की गाड़ी होती थी, और आर्मरेस्ट लगने के बाद आप देखिए यहाँ से ये और थोड़ा सा एक लग्जरी लुक आ गया है, और सामने भी ये इसमें कुछ कॉइन्स वगैरह रखने के लिए जगह बना रखी थी उस टाइम पे। मैं यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी आता था जगह, डबल डिन लगाने की स्टीरियो थी उसमें भी इसके अंदर जगह थी, मतलब डबल डिन की जगह, और यहाँ पे इसमें कुछ कॉइन्स वगैरह के लिए सिंगल डिन लगाने के बाद एक स्पेस बच जाता था। एसी के जो बटन वगैरह है वो मैनुअल थे, और एसी अच्छा है, अभी भी अच्छा है काफी, और पार्किंग का अगर आप बटन देखें जो आजकल यहाँ पे आ गया है वो उस टाइम पे इसमें यहाँ हुआ करता था। मीटर भी जो था वो
ठीक ठाक था उस टाइम के हिसाब से, काफी अच्छा था। डैशबोर्ड के अंदर देखें तो स्पेस की कोई कमी नहीं है, एक स्पेस आपको यहाँ मिल जाता था, एक स्पेस ऊपर मिल जाता था, कुछ छोटा मोटा रखने के लिए यहाँ पे भी एक स्पेस मिल जाता था, और एक फिर ये कैबिन इसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया। तो ओवरऑल आप इसके अंदर देख ही सकते हैं कि लुक काफी ठीक ठाक था उस टाइम के हिसाब से। अगर बेसिक कमी देखें तो इसके दरवाजों के अंदर यहाँ पे स्पीकर लगाने के लिए जगह नहीं थी, उनकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज बना रखा था, और स्पीकर लगाने के लिए इसमें यहाँ पे 4 इंच की जगह थी, तो इसमें छोटे 4 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा के लिए इसके अंदर ये ट्विटर लगा दिए गए हैं, जो मतलब साउंड को ठीक ठाक कर देते हैं, क्योंकि स्पीकर भी थोड़ी सी उस टाइम पे छोटे ही ज्यादा लगते थे, बड़े कम आते थे इसके अंदर। तो ओवरऑल गाड़ी का लुक ठीक ठाक था, और आज भी गाड़ी इतना चलने के बाद भी अच्छी खासी चल रही है। एक बार ऑन करके देखते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। ये 2007 मॉडल गाड़ी है, और देखते हैं ऑन करके। गाड़ी चल गई है 69,978 किलोमीटर, यानी कि 70,000 किलोमीटर मान लो आप, 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, और गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी देखिए गाड़ी ऑन है, लेकिन गाड़ी के कैबिन के अंदर आज भी कोई आवाज नहीं है 13.5 साल चलने के बाद भी। तो इस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, एवरेज उस टाइम पे थोड़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि इंजन जो थे वो हैवी बनते थे, अब इंजन थोड़े से हल्के हो गए हैं और नई टेक्नोलॉजी है, तो जिसकी वजह से एवरेज थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो थी उस टाइम पे अच्छी थी। और अगर पुरानी गाड़ी ऐसी कोई चला रहा है तो वो जानता होगा इस बात को कि इन गाड़ियों के अंदर जो था एक स्पेस अपने हिसाब से बना होता था, कुछ अलग ही चीज होती थी अब वाली के मुकाबले, और गाड़ियां उस टाइम पे थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छी ही बनती थी। तो ओवरऑल आप देख ही सकते हैं इतने साल चलने के बाद भी गाड़ी अपनी एक परफेक्ट कंडीशन के अंदर है, और थोड़ा सा खर्चा करने के बाद ये और परफेक्ट हो गई है, जो इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज हैं और कुछ इसका बाहर का पेंट और बाकी सब चीजें जो इसके अंदर अभी लगाई गई है। तो ये था ओल्ड वैगनर का रिव्यू, 2007 मॉडल गाड़ी है, 13.5 साल चलने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी मिलती है या परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं, गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, इंजन वगैरह का जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं पर्सनली। और अगर आपके पास ऐसी गाड़ी कोई है या आपने चलाई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कार एसेसरीज कार रिव्यूज की ऐसी वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर। जय हिंद।